एनआईटी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल ने नाइजीरिया के एक कॉलेज के साथ मिलकर एक वेबिनार का आयोजन किया। सातवीं कक्षा के छात्रों ने आज एम्बेसडर कॉलेज ऑफ नाइजीरिया के साथ वेबिनार में भाग लिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के अरावलियों की पहाड़ियों में अनखीर इलाके के जंगलों में एक पेड़ से लटके नर कंकाल के मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नर कंकाल को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में भिजवा दिया। गांव गोछी में मंदिर में जोत जलाना एक दंपति को भारी पड़ गया। पीड़ित के मुताबिक पति पत्नी रोजाना की तरह घर के मंदिर में जोत जलाकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। घटना के समय मकान बंद था, जिसके बाद पड़ोसियों ने मकान से धुआं निकलता देख उन्हें सूचना दी और दरवाजा तोड़ आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। सतयुग दर्शन विद्यालय के भोजनालय में IIHM ग्रुप ने छात्रों को मेज पर उचित व्यवहार और खाने पीने के आधुनिक विधि के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जयश्री भार्गव ने किया। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने एक बार फिर आदेश निकालकर सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से 31 दिसंबर तक फार्म 6 भरने को कहा है। इस पर अभिभावक एकता मंच ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी एक रूटीन प्रक्रिया के तहत यह आदेश निकाला गया है। यह अभिभावकों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। महिला टीचर की सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होने के कारण मौत हो गई। बता दें कि कल महिला टीचर अपने एक महिला सहकारी के साथ स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से आए एक तेज रफ्तार कैंटर ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान सायरा की मौत हो गई, लेकिन सायरा के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान की मोर्चरी में रखवाया गया है। हरियाणा महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने एशियन अस्पताल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में महिला सुरक्षा की जानकारी देकर महिलाओं को उनके अधिकारों से रूबरू कराया। भाटिया ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी हादसे के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, एक अपराधी, दूसरा शिकार और तीसरा मौका। इनमें से अगर एक भी ना हो तो हादसा नहीं होता। डीएवी शताब्दी कॉलेज में वाणिज्य विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना भाटिया द्वारा लिखित पुस्तक वह आसमां मुझे भी दो नामक पुस्तक का विमोचन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने निवास स्थान पर किया। इस किताब के प्रकाशक अनामिका है। यह किताब महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।